हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे पास ये एक टीवी 14 इंच का आया, जिसमें कि चाइना किट लगा हुआ था। अब ब्लैक एंड वाइट फिक्चर आ रहा था। इसको सबसे पहले मैंने कलर बढ़ा कर देखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद कलर सिस्टम जो है पाल ऑटो और एनटीएससी जो होता है उसको करके देखा, तभी जो है कि कोई फर्क नहीं पड़ा। यही किट है, देख लीजिए, चाइना किट लोकल। इसमें मेमोरी आईसी भी चेंज कर दिया, ये बड़ा वाला आईसी भी चेंज कर दिया, फिर भी सेट जो है कि ठीक नहीं हुआ, कलर नहीं आया। उसके बाद बड़ा वाला आईसी का पिन नंबर 44, 45 और 46, जो कि कलर से संबंधित ये पिन होता है, तो उसमें मैंने कहा किया कि 46 नंबर पिन पर थोड़ा चिमटा से टच किया तो कलर थोड़ा सा दिखाई देने लगा। तो मैंने देखा कि 46 नंबर पिन पर ये पीएफ जो लगा हुआ है, इस पिन पर एक पीएफ होता है, कंडेंसर होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। मैंने सोचा कि तीनों को बारी बारी ओपन करके चेक करता हूँ, तो ये पीएफ जो है 46 नंबर पिन पर, इस पर कुछ डाउट लगा, तो पीएफ को निकाला और निकाल कर उसके जगह पर दूसरा पीएफ, देखिए पिन नंबर 46 पर बीच में पीएफ जो है, यही पीएफ है, 222 नंबर का पीएफ है। और ये क्रिस्टल भी मैंने चेंज करके देखा, तभी कलर ठीक नहीं हुआ। तो ये 222 पीएफ जो है, जो कि 0.022 का पीएफ है, इसको मैंने डिजिटल मीटर से भी चेक किया, पर लगा ले रहे हैं। लगाने के बाद देखिए, ये दूसरे किट से निकाल कर पीएफ पे जो है लगाए, ये फॉल्ट जो है बहुत डिफिकल्ट फॉल्ट है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि किसी भी भाई को इस टाइप का कलर में दिक्कत आए तो वहाँ का 46 नंबर पिन पर का जो है कि पीएफ चेक कर लें। देखिए पीएफ को, ये मल्टीमीटर है जिसमें पीएफ का चेक करने का दिया है, देखिए इसको चेक कर रहे हैं, तो 20 के लगभग जो है कि बता रहा है। देखिए कभी 16, कभी 20, कभी 0.0। इससे मुझको लगा कि पीएफ ये लीकेज है। देखिए 20 बता रहा है, तो मैंने दूसरा पीएफ लगा दिया। लगा कर उसके बाद सेट को ऑन किया, देखिए सेट को पीएफ लगा दिया है। अब इसको जो है कि सेट को ऑन, पिक्चर जो है कि एकदम कलर में आ गया, एकदम परफेक्ट कलर आ गया। तो जिस भाई को इस टाइप का फॉल्ट मिले तो 46 नंबर पिन पर का पीएफ जो है कि चेक कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।